بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها اللہ کریم کے لیے بہت خوبصورت نام ہے, سب اچھے نام اس کے لیے ہیں. فدعو بہا, اسے ان ناموں سے پکارا کرو. اسماء الہی میں اس میں ذات تو اللہ ہے, باقی وہ نام جو صفاتی ہیں قرآن کریم میں مذکور ہے یا حدیث شریف میں مذکور ہے. جو نام قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارنا بھی جائز نہیں ہے, خواہ وہ ان کے ہم معنی ہوں, ان کے مطابق ان کے معنی ان جیسے ہوں, ان سے ملتے جلتے ہوں, لیکن اللہ کریم کے لیے صرف وہ نام اختیار کیے جائیں گے جو یا قرآن میں مذکور ہیں یا حدیث شریف میں. فدعوہ بہا, اللہ کو اس کے ان خوبصورت ناموں سے پکارو, دعا کرو, تسبیح کرو, اس کا ذکر کرو, عملاً کرو, زبانی کرو, قلبی طور پر کرو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد بھی چاہیے, استعانت بھی چاہیے, اللہ کریم کی رحمت بھی چاہیے. حسب حال ان ناموں سے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے. جب ہم ذکر لسانی کرتے ہیں تو اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. لیکن جب ذکر قلبی کرتے ہیں تو ذکر قلبی ہوتا ہی معرفت الہی کے حصول کے لیے. ہم جو عمل کرتے ہیں
जिंदगी के कारोबार, लेन देन, सोना जागना, खाना पीना, इन सब में हमें अल्लाह की रहमत दरकार है। और वही कामयाब है जिस शख्स को काम करते वक़्त अल्लाह याद हो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने उमूर सर अंजाम दे। तो अमलन ये ज़िक्र इलाही भी है, दुआ भी है, ये तमाम उमूर को जाने। कोई ज़बानी ज़िक्र करता है, तस्बीहात पढ़ता है, तो अपने हस्ब हाल मरज से शिफा के लिए उससे फाती नाम की तस्बीह पढ़ता है, किसी काम में बरकत के लिए रहमान और रहीम की पढ़ता है, किसी मुसीबत को टालने के लिए उससे मुनासबत से अस्माए इलाही की तस्बीह करता है। लेकिन जब ज़िक्र कल्बी की बात आती है, काजी सनाउल्लाह पानीपति मरहूम अपनी मारकतुल आ तफसीर में रकम तराज हैं कि ज़िक्र कल्बी हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, कि कुरान की बहुत सी नुसूस ने उसका हुक्म दिया है। इब्तदाई आयात जो नाज़िल हुई उनमें सूरह मुज़म्मल की वो आयात मुबारका भी हैं जिनमें इरशाद फरमाया गया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह के इस्म ज़ात का ज़िक्र करें और इस तरह से करें कि कायनात से कट कर सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह की याद दिल में रह जाए। और हुक्म हो रहा है आका नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को, तो फिर दूसरा कौन मर्द या औरत आपकी उम्मत में इससे मुस्तस्ना हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से अस्मा वज़ा कर लेते हैं, घड़ लेते हैं, खुद बना लेते हैं, अपनी तरफ से वजीफे ईजाद कर लेते हैं, दूसरों को भी कहते हैं ये तस्बीहात करो। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही, फरमाया जो लोग उसके नाम में कजरवी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। उनसे ऐसा ताल्लुक न रखो जो तुम्हारे अकीदे या दीनी अमल को मुतासर करें। ये शर्त बुनियादी तौर पर गैर मुसलमों के लिए, कुफार के लिए है कि कुफार से ताल्लुकात इस हद तक रखे जाएं कि दीन मुतासर ना हो। अगर कोई ऐसा लेन देन, ऐसा मामला, ऐसी बातचीत भी हो जिससे दीन मुतासर होता हो तो वो ताल्लुक रखना जायज़ नहीं है। मोमिन और काफिर का ताल्लुक रहेगा, तजारत का रहेगा, लेन देन का रहेगा। वो अगर काफिर भी बीमार है, मोहताज है, तो सदकात नाफिला से उसकी मदद की जा सकती है, उसकी बीमार पुरसी की जा सकती है। मुसलमानों के मुल्क में है तो उसके जान माल आबरू की हिफाजत मुसलमानों के ज़िम्मे हैं और मुसलमान हुकूमत के ज़िम्मे हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन ऐसी दोस्ती जो दीन को या अकीदे को या दीनी अमल को मुतासर करे वो दुरुस्त नहीं। मसलन हमारे यहाँ अब तो ये बात आम है कि मैं अगर सलवार कमीज़ पहनूंगा या दाढ़ी रख लूंगा या नमाज़ें पढ़ूंगा तो मगरबी माशरे में मुझे अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो मगरबी माशरे में ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए फ़राइज़ को छोड़ देना या सुन्नत को छोड़ देना या दीन को छोड़ देना ये जायज़ नहीं है। मगरबी माशरे ने हमारा हिसाब किताब नहीं लेना, हमने जान उसके सामने नहीं देनी,
किस बात में अल्लाह करीम राजी हैं, किस बात में उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है, काम वो करना है बसीयत मुसलमान। लिहाजा जो लोग असमाल इलाही को बिगाड़ते हैं उनसे इस तरह का ताल्लुक न रखा जाए जैसा उन लोगों से रखा जाता है जो अल्लाह की इताअत करते हैं। एक तरह से ऐसे लोगों से भी ताल्लुक वही होगा जो एक गैर मुस्लिम से होता है। वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी असमाई, उनको छोड़ दो। अब छोड़ देने से मुराद ये तो नहीं ली जा सकती कि कोई शहरों में दीवारें बना दे, या वो उस तरफ होंगे वो उस तरफ होंगे, या वो जिस बस में बैठे हैं उसमें हम नहीं बैठेंगे। नहीं, ऐसा कोई ताल्लुक उनसे न रखो जो आपके आमाल, आपके किरदार या आपके अकायद को मुतासर करने वाला हो, या आपको खाने पीने में कोई वो नाजायज़ या हराम चीज़ खिला दें, ऐसा ताल्लुक न रखो। सयुजदून माकानू या मलून, जो लोग ऐसे हरकत करते हैं, अब तो आम रिवाज हो गए ना, मसलन किसी जादू के लिए कुरानी आयात को हराम चीज़ों से लिखेंगे, बाज़ दफ़ा कह देंगे जी स्याह रंग का मुर्ग ले के आओ, उसे ज़बह करके उसके खून से लिखेंगे, उन दमे मसफू कतन हराम है। अब उससे कुरान लिखना कहाँ जायज़ है, हत्ता के पेशाब तक से लिखते हैं। और पिछले दिनों बड़ा इस पे शोर भी हुआ, एक आलम ने फतवा दे दिया कि इलाज के लिए कुरान की आयत पेशाब से लिखनी जायज़ है। तो बड़ा उलमा ने उस पे बड़ा शोर किया कि ये क्या जुल्म करते हो, हराम काम में शफा कैसे होगी, अस्माए इलाही और कलाम इलाही को पेशाब से लिखोगे तो इससे उसकी तौहीन होगी या शिफा होगी। तो लानत भेजो ऐसी शिफा पर, इसके जवाब का कोई सूरत नहीं। तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसी तरह अल्लाह करीम से कोई ऐसा नाम मनसूब करना जो कुरान या सुन्नत में इरशाद नहीं हुआ, कतन नाजायज़। बल्कि उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कोई ऐसा नाम जिसके मानी उस नाम से मिलते जुलते हों जो कुरान या हदीस में इरशाद हुआ है, वो भी जायज़ नहीं है। सिर्फ वो नाम अस्माए हुस्ना है जो कुरान ने इरशाद फरमाए, जो नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाए। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनका क्या होगा? फरमाया सयुजज़ून मा कानू यामलून, बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। हर अमल अपना नतीजा पाएगा, जो बुराई करता है वो उस बुराई की सज़ा भी भुगतेगा। इस मामले में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये मनसब जलीला उस वहदहु ला शरीक का है। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिलहक्के वबिही यादिलून, और हमारी मखलूक में ऐसे लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। इन सारे लोग बुरे नहीं हैं, मेरी मखलूक में मेरे ऐसे बंदे भी हैं जो न सिर्फ हक पर ईमान रखते हैं, हक पर अमल करते हैं, बल्कि दूसरों को भी ज़िंदगी भर हक की तरफ दावत देते रहते हैं, हक का रास्ता बताते रहते हैं। भी यादिलून, और इस काम में पूरा पूरा इंसाफ करते हैं, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी से भी इंसाफ करते हैं, जिनसे ताल्लुकात हों उनसे भी इंसाफ करते हैं। इंसाफ क्या है कि ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी को दाखिल न होने दिया जाए और उमूर ज़िंदगी अतायत इलाही के दायरे के अंदर अंजाम दिए जाए। दूसरों से इंसाफ ये है, इस रास्ते से इसकी तबलीग से इंसाफ ये है कि दूसरों तक भी हक बात पहुंचाई जाए।
लेकिन तरतीब देख लीजिए, कुरान करीम फरमाता है कि पहले खुद उसके साथ इंसाफ करते हैं, उस पर कायम होते हैं। तबलीग का ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि आप खुद तो अमल छोड़ दें और लोगों को वाज करते रहें, लोगों में तबलीग करते रहें, खुद सूद खाते रहें, लोगों को बताते रहें सूद खाना हराम है, खुद चोरी करते रहें, बददियानती करते रहें, लोगों को बताते रहें चोरी करना बददियानती करना अच्छी बात नहीं है हराम है, ये दुरुस्त नहीं है। पहले अपनी ज़िंदगी में अहकाम शरीयत पर पूरा पूरा अमल करके अपने साथ अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करें, फिर तबलीग करें, दूसरों तक बात पहुँचाएं। और तबलीग के लिए ज़रूरी नहीं है कि दूर दराज सफ़र ही करें, तबलीग का मतलब होता है बात पहुंचाना, जिससे बात हो उस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी ज़रूर पहुंचाए। तो फरमाया मेरी मखलूक में मेरे ऐसे बंदे भी हैं, बेशुमार मखलूक ऐसी भी है, एक तबका हमेशा ऐसा रहता है जो हिदायत याफ्ता हैं, यानी हिदायत पे अमल करते हैं और हक के साथ, वह भी या दिलून, और उसके साथ अदल करते हैं। अदल ये है कि अपनी ज़िंदगी में भी इत्तबाए शरीयत को लाजम पकड़े और जितना जिससे ताल्लुक है उसे भी तलकीन करता रहे। वो अगला मानता है नहीं मानता, अमल करता है नहीं करता, उसका मामला रब्बुल आलमीन के पास है। तबलीग करने वाले का हक बात पहुंचा देने तक है उसका हक अदा हो गया। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, जो हमारी आयात को झुठलाते हैं सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, फरमाया उनको हम आहिस्ता आहिस्ता उस गुमराही में उस बुराई में आके जाने की ढील देते जाएंगे। इस्तदराज होता है कि बात गलत हो लेकिन बंदे में धोखे में रख कर वो समझे कि मैं फ़ायदे में जा रहा हूँ। अमूमन ये लफ्ज़ करामत के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, औलिया अल्लाह की करामत के मुकाबले में इस्तेमाल होता है इस्तदराज। इससे मुराद ऐसी शोबदाबाजी है जो अपने करने वाले को इस गलतफहमी में मुबतला कर देती है कि मैं बड़ा खुदा रसीदा बंदा हूँ, मैं ये वजीफ़ा करता हूँ तो जिन्नात से बात हो जाती है, ये वजीफ़ा करता हूँ तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, ये वजीफ़ा करता हूँ तो जानमाज के नीचे से नोट निकलते हैं, मैं ये वजीफ़ा करता हूँ तो फलां काम हो जाता है। ये इस्तदराज है। करामत क्या है? या तो बात बात पे हर बात को करामत कह दिया जाता है। करामत फरा है मोजज़े की, मोजज़े का सदूर अल्लाह के नबी से होता है और मौजज़ा काम अल्लाह का होता है सादिर नबी के हाथ पर होता है। कब होता है, क्यों होता है? जब कोई ऐसा मकाम आ जाए कि जहाँ नबी की सदाकत साबित करने के लिए कोई मुहैयरुल उकूल वाक़िया ज़रूरी हो, काफ़रों को लाजवाब करने के लिए कोई मुहैयरुल उकूल वाक़िया ज़रूरी हो, तो वहाँ अल्लाह की तरफ से मौजज़े का सुदूर होता है और वो नबी के हाथ पर होता है। अब यही जो मौजज़ा है नबी का, वली वारिस होता है नबी का, विरासत में उसे ये चीज़ भी मिलती है कि उसके हाथ पर करामात का ज़हूर होता है। करामत उस फ़ेल को कहेंगे जिसके नतीजे में दीन की सरबुलंदी हो और कुछ लोगों के तौबा करने का सबब बन जाए या बेदीन तबके को खामोश करने का सबब बन जाए।
یعنی جس میں دین کی عصمت ہو، کسی فرد یا کسی ذات کی معتبری کے لیے نہ ہو، وہ کرامت ہوگی. اور کوئی ایسا محیر العقول واقعہ جس سے لوگ آپ کو زیادہ شیرینیاں دینے لگ جائیں، آپ کے پاس دولت جمع ہو جائے، وہ استدراج ہوگا. استدراج کی دوسری قسم یہ ہے جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے، سنستدرجہم. یہ استدراج وہ ہے کہ بندے برائی کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں دولت دیے جا رہا ہے، اب وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے. وہ خود ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں. یہاں ہمارا ایک جاننے والا تھا، وہ کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا، لیکن اس کے پاس دولت بڑی جمع ہو گئی. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی دولت ہے. یہ استدراج ہے کہ آپ نے ایمان ضائع کر دیا، یا آپ برائی کرنے لگ گئے لیکن آپ کو فرصت ملتی گئی، کسی نے پکڑا نہیں، آپ کو عہدے ملتے گئے، حتیٰ کہ آپ ملک کے سربراہ بن گئے، صوبے کے سربراہ بن گئے، ضلع کے سربراہ بن گئے، افسر بن گئے، آپ کے پاس دولت جمع ہوتی گئی، جائیداد آتی گئی، اولاد بے ہو گئی، خوشحال ہو گئی. تو جو بھی دیکھتے وہ کہتے ہیں اس پر اللہ بڑا راضی ہے. یہ اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے. ہاں اگر حلال اور جائز طریقے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اگر عہدہ ملتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے شریعت کے مطابق، اگر دولت ملتی ہے تو حلال ذریعے سے کماتا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، جائز امور پہ خرچ کرتا ہے، ناجائز پہ نہیں کرتا، تو پھر واقعی اللہ کی رحمت. لیکن اگر وہ اپنے وسائل غلط طور پر استعمال کرتا ہے، یا اسے عہدہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے، یا اس کے پاس دولت ناجائز ذرائع سے جمع ہو جاتی، تو یہ استدراج ہے، یعنی ایک دھوکہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے، لیکن اللہ نے اسے گناہ کی ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ کریم کا ایک نظام ہے، ہر گناہ کی فوری گرفت نہیں ہوتی. بعض گناہ ایسے شدید ہوتے ہیں جو دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں، ان پر بعض اوقات دنیا میں بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے. وہ بھی مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی اس سے عبرت حاصل کر سکے، ورنہ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا. اختیار کیا ہے انسان کے پاس، کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ بندے کے پاس اختیار کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. آپ نے فرمایا اب دوسری بھی اٹھا لو. کہنے لگے یہ دوسری کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے تمہارے پاس، تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا، اب دوسرا نہیں اٹھا سکتے. بندے کو نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ اپنے مرنے پہ، نہ اپنی صحت پہ، نہ اپنے رزق پہ، نہ اپنی شکل بنانے پہ، نہ اپنے قد و قامت بنانے پہ. تو اختیار کس بات پہ ہے؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے، اب وہ چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کر کے دیکھ لے. تو اگر ہر گناہ پہ فوراً گرفت ہو جائے تو پھر تو اختیار تو ختم ہو گیا، پھر تو ہر کوئی توبہ کر کے نیکی کی طرف ہی چلے گا، دوسرا راستہ تو بند ہے. ذرا غلطی ہوتی ہے تو مصیبت آ جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے. لہذا اس کا ایک وقت معین ہے. اور فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے. ہمیں کیوں اندازہ نہیں ہوتا کہ آج اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ کا یہ کام میں 70 سال بعد کر دوں گا، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی، انکار کر رہا ہے آپ کے پیسے دینے 70 سال بعد. 70 سال! لیکن جن کی عمریں 70 سال ہو چکی ہیں وہ تو کہتے ہیں جی یہ تو کل کی بات ہے، ہم سکول پڑھتے تھے اور کل کی بات ہے، ہم
लड़के लड़के खेला करते थे और आज अब बूढ़े हो गए। कोई उस जो उम्र जिस बंदे की जितनी गुजर चुकी है, ज़रा उसके बारे देखो क्या अंदाज़ा होता है। किसी की 30 साल है, 25 साल है, 50 साल है, तो पिछले 30-50 सालों को देखो तो पता चलता है वो तो लम्हे भर में निकल गए। अगली जिंदगी का भी हाल यही है। हम गलत तौर पर उससे उम्मीदें वाबस्ता किए रहते हैं, ये होगा वो होगा, हमारी उम्मीदें लंबी होती रहती हैं, अचानक पता चलता है जी जिंदगी ख़त्म हो गई, उम्मीदें एक तरफ रह गई। तो फरमाया बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो लोग नाफरमान हैं, हमारी आयात का इनकार करते हैं, ये तकजीब या जुटलाना दोनों तरह से है। एक आदमी सुनकर कहता है मैं नहीं मानता, वो तो सरी काफिर हो गया। एक आदमी अल्लाह का हुक्म सुनकर कहता है ये हुक्म ठीक है, लेकिन करता उसके मुताबिक नहीं, तो वो भी फासिक है। और फिर फिसक का भी एक दर्जा है। उलमाए फिका जब बहस करते हैं नमाज पर कि कोई नमाज नहीं पढ़ता, बिल्कुल ही नमाज अदा नहीं करता, तो फरमाते हैं उसे 3 रोज़ तक कहा जाए कि नमाज पढ़ा करो। वो कहता है जी पढ़ूंगा, पढ़ता नहीं। दूसरे दिन फिर उसे कहा जाता है भाई नमाज पढ़ा करो, नहीं पढ़ता, कहता है पढ़ूंगा, पढ़ता नहीं। तीसरे दिन फिर कहा जाता है नमाज पढ़ो, कहता है पढ़ूंगा, पढ़ता नहीं। चौथे दिन न कहा जाए बल्कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका जनाजा न पढ़ा जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन न किया जाए। इस पे फिका के 3 इमाम मुत्तफिक हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसे कत्ल न करें, उसे कैद कर दें, उसे तभी उम्र जीने दें, शायद कभी तौबा कर ले, उससे तौबा का मौका न छीने, कैद कर दें, उसे औलाद से दूर कर दें, घर से दूर कर दें, कारोबार से दूर कर दें, जेल में डाल दें और इंतज़ार करें शायद तौबा कर ले। फिर आखिर में वो भी फरमाते हैं कि अगर जेल में भी रहे और तौबा न करे, नमाज अदा न करे और मर जाए, तो फिर उसका जनाजा न पढ़ा जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अब एक हुक्म पर नमाज 5 गाना पर ये शरी फैसला है। अपने इर्द गिर्द देखिए हम में से कितने लोग हैं जो पाबंदी से नमाज 5 गाना अदा करते। यही हाल बाकी उमूर का है। जहां जहां हम शरीयत को छोड़ते हैं, जब गुनाह सगीरा और कबीरा पे बहस होती है और उलमाए फिका मुतय्यन करते हैं कि ये गुनाह कबायर में हैं और ये गुनाह गुनाह सगीरा में हैं, तो ये फहरिस्त बनाने के बाद आखिर में लिखते हैं कि हकीकत ये है कि सारे गुनाह ही कबीरा हैं, गुनाह सगीरा इसलिए नहीं है कि अगर इस नज़र से देखा जाए कि नाफरमानी किसकी है तो फिर सारे गुनाह ही कबीरा हो जाते। गुनाह तो हमने बज़ाहिर छोटा किया, गुनाह छोटा सा था, लेकिन नाफरमानी किसकी थी? उस अजीम ज़ात की जो सारे जहानों का मालिक खालिक राज़िक और शहनशाह है। तो जब नाफरमानी इतनी अजीम ज़ात की आई तो फिर वो जुर्म छोटा तो नहीं है, वो तो जुर्म बड़ा हो गया। तो इस तो अल्लाह के नहीं फरमाता सनस्तदरे, जो हमने उन्हें ये गलतफहमी में डाल रखा है, जब उन्होंने हमारी आयात का इनकार किया तो हमने उन्हें ज़िंदगी में मोहलत दे दी काम करने की, दौलत दे दी, ओहदे दे दिए। अब हमारा ये आलम है कि हमारे बड़े बड़े ओहदेदार मगरब में गैर मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, पड़ोस में हिंदू हैं हिंदुओं के पास जाते हैं, तो कमाल ये है कि हिंदुओं के वज़रा वज़ीर आज़म तक ने अपना कौमी लिबास पहन रखा होता है, लेकिन हमारे अंग्रेज़ी लिबास में ही होते हैं।
और अगर किसी हिंदू ने भी वैसा ही सूट वूट पहना हुआ तो फिर आप जानते ना हो तो आप नहीं पहचान सकते एक मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। ये क्यों करते हैं? वो समझते हैं कि इससे माशरे में हमारी इज्जत है, इससे हमारा एहतराम बढ़ता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं यही गलत फहमियाँ उन्हें मज़ीद आगे ले जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तब पता चलता है जब मौत आती है और हुजूर हक पेश होना पड़ता है। वह उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, हम उन्हें मोहलत दिए जाते हैं। इंसान कितना जी लेगा, एक तयशुदा जिंदगी उसने जीना है। फरमाया हमारी तजवीज़ें हमारी तदबीरें बहुत मजबूत हैं। निज़ाम कायनात जो अल्लाह की तदबीर है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। नहीं आप अगर इसका जहाँ तक अल्लाह ने बंदों को इल्म दे दिया है और इंसानी दिमाग ने जहाँ तक इन मसाइल को देखा है, वजूद इंसानी का तज्जिया किया है, शजर व हजर के तज्जियात हुए हैं, अब इन्होंने पत्थरों से एटम को भी तो तलाश कर ही लिया है, तो जहाँ तक इंसानी निगाह पहुँचती है पता ये चलता है कि हर छोटे से छोटे ज़र्रे से जिसको आगे तकसीम नहीं किया जा सकता उसके साथ दूसरा ज़र्रा मुंसलिक है, उसके साथ तीसरा मुंसलिक, और ये सारे ज़र्रात मिलकर कहीं सोना बना रहे हैं, कहीं चांदी बन जाते हैं, कहीं लोहा बन जाते हैं, कहीं चट्टान बन जाते हैं। इसी तरह शजर व हजर, दरख्त, जानवर, इंसानी वजूद कितने सेलों से मिलकर बना हुआ है, और छोटे 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 सेल हैं जो आपस में एक दूसरे से मुतालिक हैं, लेकिन फरमाया मेरा निज़ाम बहुत मजबूत है, ज़र्रा ज़र्रा जो जुड़ा हुआ है उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई उसे बखेर नहीं सकता, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। तो जब दुनिया में जो निज़ाम हमारे सामने है फितरत का वो इतना मजबूत है तो आखिरत के निज़ाम को कैसे तोड़ के निकल जाएगा और किस तरह अपने आमाल की जज़ा नहीं पाएगा? फरमाया ये सोचना ही फजूल है, मुमकिन नहीं है। इन्ना कैदी मतीन, हमारी तजवीज़ें बहुत मजबूत हैं, बड़ी संजीदा हैं। अवलम ये तफक्करू, सुभान अल्लाह, मा बे साहिब ही मिन जिन्ना। फरमाया लोगों ने कभी इस बात पे गौर व फिक्र किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कौन और कैसी हस्ती? हम आज भी काम करते हैं, हमारे कामों पर छाप होती है बाप दादा की। ये क्यों करते हो? मेरे बाप दादा करते थे। बाप दादा का हमारे नज़दीक एक मकाम है, एक एहतराम है। कोई हमें कहता है यार ये काम छोड़ दो, इस तरह न करो, इस तरह करो, तो कहते हैं नहीं, मेरे बाप दादा के नाम को बट्टा लगेगा, वो ये काम इस तरह करते थे, मैं उस तरह क्यों करूँ? कभी फरमाया वालम ये तफक्कर, ये बैठकर सोचते नहीं है, तफक्कर नहीं करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हस्ती थी, एक ऐसी हस्ती जिसके मुखालिफ भी उसे सादिक और अमीन कहते, एक ऐसी हस्ती जिसकी सारी जिंदगी मशाले हिदायत, एक ऐसी हस्ती जो कायनात के लिए अल्लाह की रहमत मुजस्सम है। और ये उनकी बात छोड़ देते हैं, क्या ये समझते हैं कि माज अल्लाह हुजूर पागल थे? अवलम ये तफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना,
इन्हें ये समझ नहीं आती कि हुजूर को कोई जुनून नहीं था। उठते बैठते अल्लाह का नाम लेते हैं, उठते बैठते अल्लाह की बात करते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लोग कत्ल का इरादा कर लेते हैं, लोग हिजरत पे मजबूर कर देते हैं, लोग शेब अबी तालिब में बंद कर देते हैं। 3 साल साहबे कबार ख़वातीन बच्चों के हमरा इंतहाई तकलीफ में गुजारे जाते हैं, लेकिन हक बात वहाँ से भी होती रहती है। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मगाज़ल्लाह दिमाग सही नहीं था? यानी कभी सोचा किसी ने बैठकर? अवलम ये तफक्करो, ये लोग सोचते नहीं हैं बैठकर, फिक्र नहीं करते कि एक काम के लिए हुजूर सल्लम पत्थर खाते हैं, दंदाने मुबारक शहीद कराते हैं, अपने साहबे कबार को, अजीज तरीन चचा को शहीद कराते हैं, वतन छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, हिजरतें करनी पड़ती हैं, हर तकलीफ हर दुख गवारा, मगर बात अल्लाह ही की करते रहते हैं। यार कभी सोचा कि अल्लाह की इताअत कितना जरूरी है? क्या ये लोग समझते हैं कि माज़अल्लाह मेरा नबी पागल था कि इतने दुख उठाए लेकिन कुफर से, काफरों से तआवुन नहीं किया? उन्होंने दौलत भी पेश की कि हम सारी दुनिया से आपको अमीर कर देंगे, इतनी दौलत जमा कर देते। किसी बड़े से बड़े आदमी की बेटी को आप निकाह में लाना चाहते हैं तो हम जो कुछ हमसे बन पड़ा हीला करके आपका निकाह करा देंगे। अगर आप बादशाहत चाहते हैं तो हम आपको अरब का बादशाह बना देते। लेकिन ये बातें छोड़, और अपने मजहब पे भी रहिए, हमारे बुतों की तरदीद करना छोड़ दीजिए। फरमाया ये तो वो काम है जो मुमकिन है इंसान के लिए। अगर तुम कोई नामुमकिन काम भी कर दो, सूरज और चांद को आसमान से उतार कर ले आओ, मेरे एक हाथ पे सूरज एक पे चांद रख दो, मैं फिर भी वही कहूँगा जो अल्लाह मुझे कहने का हुक्म दे। ये सब कुछ हुजूर ने इसलिए किया कि काफिर तो इनकार कर दें, जो कलमा पढ़ते हैं वो भी हुजूर का इत्तेबा छोड़ दें, सजदे भी न करें, कुरान को खोल कर न देखें, सूद खाना शुरू कर दें, लूट घसूट शुरू कर दें, एक दूसरे के गले काटना शुरू कर दें, मुसलमान मुसलमानों को कत्ल करना। ये कौन से मुसलमान हैं? क्या समझा इन्होंने इस्लाम को? ये कौन सा अंदाज मुसलमानी है? क्या इन्होंने कभी बैठकर सोचा है कि अल्लाह का रसूल कितनी अजीम हस्ती थी, कितनी अजीम हस्ती है, कितनी अजीम हस्ती रहेगी? क़यामत तक उन्हीं की नबुव्वत है और रहेगी, उन्हीं की रसालत है और रहेगी, उन्हीं की लाई हुई किताब है और रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये सोचने का तकल्लुफ किया? कभी ये सोचा कि हुजूर ने और आपके मुत्तबईन ने कितने दुख उठाए लेकिन हक का दामन नहीं छोड़ा, हक पर अमल भी करते रहे और हक की तलकीन भी फरमाते रहे और बातिल की तरदीद भी करते रहे? कोई नौ मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो कहते हैं मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह को वाहिद ला शरीक मानता हूँ, हुजूर को अल्लाह का नबी मानता हूँ, लेकिन मैं बुतों को बुरा नहीं कह सकता, उनका भी एहतराम है, उसका इस्लाम काबिले कबूल नहीं है। जिस तरह तौहीद और रिसालत की कबूलियत शरत है, उसी तरह कुफर का रद्द भी शरत है। ईमान लाने के लिए जिस तरह हक का कबूल करना शर्त है, बातिल को रद्द करना भी उतनी ही शर्त है। तो फरमाएं लोग अफला अवलम ये तफक्कर, कभी ये बैठकर सोचते नहीं, तफक्कर नहीं करते? कभी तन्हाई में बैठकर, कभी किसी दोस्त के साथ बैठकर, कभी किसी उस्ताद के साथ बैठकर बात तो करें, सोचे तो सही, एक हस्ती कितने दुख उठाती है, अमलन वो हस्ती बेनज़ीर व बेमिसाल है,
काफर भी कहते हैं कि आप सच्चे भी हैं, अमीन भी हैं। अजीब बात है, आपसे लड़ाइयाँ भी करते हैं और अपनी अमानतें आपके पास जाकर रखवाते हैं कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं, हमारी अमानत हमें सही सलामत वापस मिल जाएगी। हत्ता कि जब हुजूर ने हिजरत फरमाई तब भी हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम को अमानतें देकर अपने बिस्तर मुबारक पे सुलाया कि सुबह उठकर ये लोगों को वापस कर देना और फिर तुम भी चले आना। ये कमाल है कि जो लोग बार तलवारें सोते नंगी तलवारें लिए कत्ल के इरादे से खड़े हैं, उन्हीं के आबाओ अजदाद और बापों चचाओं की अमानतें हैं, फरमाते हैं ये उन्हें वापस करके आना। तो क्या ये कोई जुनून की कोई किस्म है? ये पागलपन है? हम अकलमंद हैं? अब जो हुजूर का इत्तेबा नहीं करता, कुरान करीम के इस आयत की रूह में दूसरे माने में वो ये समझता है कि हुजूर माअल्लाह पागल थे, नुकसान उठाते रहे, मैं तो अकलमंद हूँ, मैं तो दुनिया का फ़ायदा उठाऊँगा, क्यों किसी को नाराज़ करूँ, क्यों अपना नुकसान करूँ। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, इन्होंने कभी बैठ के सोचा है कि इनके साहिब सुभान अल्लाह यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बनी न हो इंसान का साहिब बही खा भला चाहने वाला, बेहतरी चाहने वाला, जो किसी का नुकसान चाहता है वो तो उसका साहिब तो नहीं हो सकता ना, उसका दोस्त तो नहीं हो सकता, उसका साथी तो नहीं हो सकता, वही साथी हो सकता है जो उसका भला चाहता है। फरमाया सारी नौ इंसानी का भला चाहने वाला मेरा महबूब माज़ल्लाह उन वो पागल तो नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीर मुबीन, हाँ ये यकीनी बात है कि वो वाज़े उन नताइज से आगाह करने वाले हैं जिनकी खबर तुमको मरने के बाद। नज़ीर का माना है, सारे तराजम में लिखा होता है, डराने वाला। ये तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, ये मेरा लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने ये लिखा है वो तो खुले खुले अंजाम बद से डराने वाले हैं। अंजाम बद ब्रैकेट में है चूँकि कुरान के अल्फाज में नहीं है, लेकिन मफहूम ये है कि नज़ीर वो होता है कि आप यहाँ से चले हैं जी, मैं जा रहा हूँ चकवाल, तो कोई आपको बता दे कि भाई रास्ते में डाकू हैं, मैं आ रहा था, मैं तो बचकर आ गया हूँ, लेकिन बाकी सब लोगों को लूट रहे, इस रास्ते न जाओ उस रास्ते चले जाओ। ये क्या होगा? इंतज़ार, यानी कोई तकलीफ़ आने से पहले उसकी खबर देना, उससे मुत्तले करना। मैं आज डराना नहीं, वो डरा, वैसे तो डर दुश्मन का भी होता है, चोर का भी होता है, मूजी जानवर का भी होता है। डर वो बताना जो नुकसान उठाने कोई जा रहा उसे वक़्त से पहले। फिर नबी वो नज़ीर होता है कि जिन नुकसानात का इलम हमें मरने के बाद होगा कि ये मैंने अपना नुकसान किया, वो इस ज़िंदगी में इरशाद फरमा देता है कि ये करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा। तो फरमाया मेरा नबी जो दुनिया तो दुनिया, दुनिया में रहते हुए उखरी नुकसानात से तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है, यार उसे तुम समझते हो कि उस पागल है माज़ल्लाह या जुनू है उन्हें। उनकी शान ये है जैसे कोई सफ़ा पे खड़े होकर अहले मक्का को जब हुज़ूर ने जमा किया तो ये बात इरशाद फरमाई कि मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ और तुम लोग उसके एक तरफ नीचे खड़े हो, तुम्हारे सामने पहाड़ी की सामनी समत है, लेकिन मेरे सामने इसकी सामने वाली और इसके पीछे वाली दोनों समत है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जमा हो रहा है वो तुम पर टूट पड़ेगा तो क्या कहोगे? कहने लगे मान लेंगे, आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं, झूठ बोलना खयानत भी है और झूठ भी है,
آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, پھر آپ کا مقام ایسا ہے جہاں سے آپ کو دونوں رخ نظر آ رہے ہیں. تو حضور نے مثال دی کہ میرے سامنے دونوں جہان واضح ہیں, میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا وہ واقعی ہے. لہذا میں تمہیں بر وقت خبردار کر رہا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ آخرت میں تمہارے لیے اتنے نقصان کا سبب بنے گا, تو یہ تو احسان ہے. تو فرمایا ایک ایسی ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے امور پر اخری نقصانات سے مطلع فرما رہا ہے, بھلا اس جیسا دانا و دانشور اور اس جیسا انسانیت کا بہیخا اور صاحب اور دوست کون ہو سکتا ہے؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء, کیا یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھتے؟ اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں, عظمت الہی کو, اس کی قدرت و اختیار کو, اس کے قادر مطلق ہونے کو, یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں نے سمجھ نہیں آتی. یہ سورج جو ہزاروں صدیوں سے روشنی بھی دے رہا ہے تپش بھی دے رہا ہے, تبھی آپ نے خیال کیا کہ یہ نہ مقرر کردہ راستے سے ہٹتا ہے نہ وقت میں تاخیر و تقدیم کرتا ہے. قادر مطلق نے جو راہ متعین فرما دی ہے اسی پر چلتا ہے, ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا, ایک لمحہ وقت سے پہلے نہیں آتا. اگر یہ ایک ایک ذرہ برابر بھی زمین کے قریب آنے لگ جاتا تو آج تک ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی. اگر یہ ایک ایک سینٹی میٹر دور ہوتا چلا جاتا تو آج تک زمین پر ہر چیز جم کر رہ گئی ہوتی, لیکن اس کی جرات نہیں ہے. وہ مالک الملک جو شہنشاہ ہے, حکمران ہے, حقیقی بادشاہ ہے, اس کے حکم سے ترتابی کی مجال نہیں ہے. سورج, چاند, ستارے, کرے ارض, دیگر کرے جو فضا میں ہیں, ہر ایک اللہ کے اطاعت پہ کار بند ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ پتھر, زمین, پہاڑ, نباتات اگتی ہے, پھلتی پھولتی ہے, پہاڑ بنتے ہیں, گر جاتے ہیں, پھر کہیں پہاڑ بن جاتے ہیں, پتھر پھٹ جاتے ہیں, چشمے جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, کروڑوں پتے شاید ایک درخت پہ ہوں, خاک میں مل جاتے ہیں, خزاں آتی ہے ٹنڈ منڈ کھڑا ہوتا ہے, بہار آتی ہے چند دنوں میں انہی پتوں سے پھر بھر جاتا ہے. اس کے نظام میں کہیں تمہیں عظمت الہی کا احساس ارض و سما کی بادشاہت دے کر کیوں نہیں ہوتا؟ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت دیکھ کر عظمت الہی کا عالم ينظروا, کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ فی ملکوت السماوات والارض, زمین کی اور بادشاہت میں, آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت میں تمہیں عظمت الہی نظر نہیں آتی؟ وما خلق اللہ من شیء, اور جو اللہ نے دوسری مخلوق پیدا فرمائی ہے, کسی تخلیق پر غور کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنا قادر ہے, کتنا عظیم ہے, اور واقعی واحد و لا شریک ہے, اور واقعی وہ عبادت کے لائق ہے, اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اور اسی کی اطاعت ناگزیر ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. پھر اس کا دوسرا پہلو فرمایا, وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو. یعنی اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کتنے پہاڑ تھے جو گر گئے, کتنی چٹانیں تھیں جو پاش پاش, کتنے بڑے بڑے درخت ہم نے دیکھے تھے جو اب وہ نہیں ہیں,
कितने आलीशान महलात थे जो हमने बसते बसते देखे थे, आज उजड़ चुके हैं। कितने बेशुमार लोग थे हमारे साथ जो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर हम इस बात से बेफिक्र क्यों हैं कि किसी भी लम्हे मेरी भी मौत आ सकती है। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयर को है जमाने में। निजाम इलाही में हर चीज चल रही है, आ रही है, जा रही है। हम आ गए, हमें जाना है। किसी भी वक्त हुक्म आ सकता है, कोई लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। आप किस हाल में अल्लाह के हुजूर जाना चाहते हैं, कभी ये सोचा? मोमिन की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी लम्हे मौत आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार। और अगर हम अपने आप को चंद शरीफ आदमियों के सामने पेश नहीं कर सकते कि मैंने किसी का माल भी खाया हुआ है, किसी से झूठ भी बोला है, किसी की जान भी ली है, किसी को तबाह भी किया है, शर्म आएगा बंदों में, तो अल्लाह के सामने क्या करोगे? कभी ये नहीं सोचा। वानसान यकून कद इक्तरबा जुलूहुम, हो सकता है उनकी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाए और मौत सर पे खड़ी हो। फरमाया ये सारी बातें सोचने की हैं, तो ये लोग क्यों नहीं सोचते? फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, फिर इसके बाद ये लोग कौन सी बात पर ईमान लाएंगे? यानी इसके बाद कुछ नया आने वाला नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से रिसालत की तकमील हो गई, अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। कुरान के नुजूल से कुतुब समावी की तकमील हो गई, अब कोई नई किताब नाजल होने वाली नहीं है। न कोई नया रहनुमा आने वाला है, न कोई नया समझाने वाला आने वाला है, न कोई नई किताब आने वाली है। तो फिर ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब किस बात पे ये ईमान लाएंगे और किस चीज़ का इंतज़ार है? गोया नबुव्वत मुकम्मल हो चुकी, ये ख़त्मे नबुव्वत की भी दलील है। हुज्जत तमाम हो चुकी, कुरान के बाद कोई नई किताब नाजिल नहीं होगी। सो लोगो, इसी कुरान पे गौर करो, हुजूर की ज़ात पे तफक्कुर करो और सोचो कैसी अजीम, कैसी सादिक व अमीन हस्ती ने किस खूबसूरत रास्ते की तरफ बुलाया है और उसे अपनाओ। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह, Allahu 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 Allah। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्दे जिल्लहुल आली दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में सालहा साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दर्सगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था।
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में दो मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।